हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग खस्ता कचौरियाँ बनाएंगे। जी हाँ, आज हम लोग एक कप मैदा से 30 कचौरियाँ बनाकर तैयार करेंगे। ये देखिए कितनी खस्ता बनी है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही इजी तरीके से। और साथ में इन कचौरियों को बनाकर हम एक महीने के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं, तो जब मन चाहे तब इनको फ्राई करें और बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कमाल के वीडियो को। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो कचौरियाँ बनाने के लिए मैंने एक कप मैदा ली है, और एक कप मैदा लगभग अगर आप वेट में देखें तो ये 200 ग्राम है। इसमें हम ऐड करने वाले हैं स्वाद अनुसार नमक, और साथ ही में ये जो हमारी घर वाली स्पून होती है इससे हम 2 बड़े चम्मच इसमें ऑयल ऐड कर रहे हैं। टेबल स्पून अगर आपके पास हो तो 2 टेबल स्पून इसमें ऑयल ऐड कर दें। आप इसकी जगह घी का यूज़ भी कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, ऑयल या घी इसको हमें इस तरह से मसलते हुए पूरी मैदा में अच्छे से ऐड करना है। ये देखिए इस तरीके से रगड़ते हुए। ये हलवाइयों के कुछ छोटे छोटे टिप्स होते हैं जिससे उनकी जो कचौरियाँ होती हैं वो एकदम खस्ता बनती हैं। तो इसी तरीके से आपको भी मैदा को इस तरह से रगड़ते हुए अच्छे से मैश करना है पूरी मैदा के अंदर। तो ये देखिए ऑयल को हमने अच्छे से मैश कर लिया। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एकदम नरम आटा हमें इसका तैयार करना है। जो पानी है वो मैंने नॉर्मल लिया है, गर्म पानी का यूज़ नहीं करना है। आटा हमारा लगा लिया है, हमने इसको अच्छे से गूंदा नहीं है, सिर्फ बाइंड कर लिया है। यानी कि इसको हमें ज़्यादा गूंदा नहीं है, सिर्फ बाइंड करना है। इसके बाद में मैंने यहाँ पर लिया है 1/2 कप मैंने मूंग की दाल को भिगो दिया था 2 घंटे के लिए, तो 1 कप मूंग की दाल हो चुकी है। अब हम इसको एक ग्राइंडर में डाल करके थोड़ा दरदरा सा पीस कर तैयार कर लेते हैं। आप चाहें तो डायरेक्टली इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। इसको मैंने दरदरा पीस कर तैयार कर लिया है, ये देखिए दाल को। अब इसके बाद में हम स्टफिंग बनाकर तैयार करते हैं। अब स्टफिंग बनाने के लिए एक पैन लिया है। पैन में हम डाल रहे हैं 2 बड़े चम्मच जितना ऑयल। ऑयल की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा भी होगी तो चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। ऑयल के गर्म होने के बाद में हम इसमें ऐड करने वाले हैं 1 छोटा चम्मच जीरा। इसी के साथ में 1 छोटा चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे सौंफ। आप सौंफ का पाउडर भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। 1/4 छोटा चम्मच हींग। तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से हम सौते कर लेंगे। फ्लेम को हमें लो टू मीडियम ही रखना है, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। इसके बाद में इसमें ऐड कर रहे हैं 1 बड़ा चम्मच जितना बेसन। बेसन ऐड करके हमें इसको भूनना है लो टू मीडियम फ्लेम पर। बेसन से जो हमारी स्टफिंग होती है वो अच्छे से बाइंड हो जाती है, इसलिए इसको ऐड करना काफ़ी ज़रूरी होता है। इसके बाद में जो हमने दाल पीस कर तैयार की थी उसको ऐड करेंगे। इस वक्त हमने जो लो फ्लेम है उसको लो कर दिया है, और लो फ्लेम पर हमें दाल को ऑयल के साथ में मिक्स करना है अच्छी तरीके से। इसके बाद में हम इसमें कुछ मसाले भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ऐड करने वाले हैं इसमें 1 बड़ा चम्मच भर करके धनिया पाउडर। 1 बड़ा चम्मच ही मैंने लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है, क्योंकि मैंने हरी मिर्च का इसमें यूज़ नहीं किया है तो लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है। 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड किया है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपको स्टफिंग का कलर थोड़ा येलो चाहिए तो आप इसको ऐड करें, अदरवाइज आप इसको स्किप कर दें। मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे, स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। नमक बहुत ज़्यादा ऐड ना करें। इसके बाद में 1/2 छोटा चम्मच हमने ऐड किया है अमचूर पाउडर, इसकी जगह आप चाट मसाला का यूज़ भी कर सकते हैं। और 1 छोटा चम्मच हमने कसूरी मेथी इसमें ऐड कर दी है। इस तरह से क्रश करके हम इसको ऐड करेंगे। सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब लो टू मीडियम फ्लेम पर मसाले को मिक्स करते हुए हमें दाल को अच्छे से भून कर तैयार करना है। फ्लेम का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, फ्लेम बिल्कुल भी हाई नहीं होनी चाहिए। ये देखिए आप देख सकते हैं कि जो हमारी दाल है वो एकदम क्रिम्बल जैसी लग रही है। बस इसी तरीके तक क्रम्बल होने तक हमें दाल को अच्छे से भूनना है। स्टफिंग तैयार हो चुकी है, यहाँ पर हमारा जो आटा है वो भी सेट हो गया है। अब हम इसको एक बार हल्का सा नीट कर लेंगे हाथ में ऑयल लगाकर, क्योंकि ये काफ़ी गीला है तो थोड़ा स्टिकी हो जाता है। इसके बाद में इस तरीके से हम इसको रोल कर लेंगे, ये देखिए। और इस तरह से नाइफ की सहायता से छोटे छोटे हम इसमें से कचौरियों के लिए इस तरह से पीसेस निकाल लेंगे। जितनी छोटी या बड़ी कचौरी आपको बनानी है उस हिसाब से। तो ये देखिए छोटी छोटी मैंने लोइयां बनाकर तैयार कर ली हैं। अब हम इस तरीके से देखिए छोटी वाली स्पून से इसमें अंदर स्टफिंग फिल करेंगे। हल्के से जो कचौरी के किनारा है उसको हम पानी से गीला कर लेंगे, क्योंकि काफ़ी छोटी कचौरियाँ हैं तो अगर ऊपर से अच्छे से बाइंड नहीं होंगी तो ये खुल जाएंगे ऑयल में जाने के बाद में।
तो देखिए इस तरीके से हम इसको स्टफ करें और बीच में से प्रेस कर देंगे। इस तरीके से हम सारी कचौरियाँ स्टफ करके तैयार कर लेते हैं। आगे रेसिपी में मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि इन कचौरियों को हम एक महीने के लिए किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा लास्ट तक। तो ये देखिए सारी कचौरियाँ हम इस तरीके से स्टफ करके तैयार करते हैं। सारी कचौरियाँ मैंने स्टफ कर ली हैं, कुछ कचौरियाँ मैंने इसमें से अलग निकाल दी हैं, मैं बाद में बताऊंगी कि उनका हमने क्या किया है। इसके बाद में ऑयल को हमने गर्म कर लिया है, लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें फ्राई करना है। तो पहले हमने ऑयल को बहुत ही हल्का गर्म किया है। अब ये देखिए जो जिस जगह से हमने इसको ऊपर से पेस्ट किया था ना, उस जगह से हमें अपने थंब की सहायता से इसको हल्का सा प्रेस कर देना है। ये देखिए मैं दोबारा दिखाती हूँ, इस तरीके से प्रेस करना है, ऑयल में डिप कर देना है। जिस जहाँ से हमने इसको बाइंड किया था ना ऊपर से, उस जगह से हमें इसको इस तरह से थंब की सहायता से प्रेस करेंगे और हल्के गर्म ऑयल में हम इसको छोड़ देंगे। और ऑयल को हमें अभी हल्का गर्म ही रखना है जब तक ये फूलकर ऊपर नहीं आने लगती हैं। तो ये देखिए सारी कचौरी ऊपर की तरफ फूलकर आने लगी हैं। अब हम फ्लेम को मीडियम करेंगे, हाई फ्लेम पर हमें बिल्कुल भी इनको नहीं पकाना है, लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हमें इनको पकाना है। इस तरीके से झारे के पीछे वाली साइड से हम इसको हल्का हल्का इस तरह से प्रेस करते रहेंगे। ये हलवाई वाली स्टाइल होती है जिस तरह से वो लोग बनाते हैं, बिल्कुल उसी स्टाइल से हम इसको बना रहे हैं। तो इसका जो टेक्स्चर होगा वो उसी तरीके का आएगा, तो आप भी इस तरीके से ट्राई कीजिएगा। ये देखिए दोनों साइड से हमने अपनी कचौरियों को लाइट गोल्डन कलर होने तक फ्राई कर लिया है मीडियम फ्लेम पर, हाई फ्लेम पर नहीं करना है। इनको हम बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए कचौरियाँ कितनी अच्छी लग रही हैं, बहुत ही खूबसूरत, बहुत टेस्टी बनी है। तो ये देखिए सारी कचौरियाँ हमने फ्राई करके इस तरह से तैयार कर ली हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जो कचौरियाँ मैंने अलग निकाल के रखी थी उनका मैंने क्या किया है। इनको मैंने एक प्लेट में लगा करके फ्रीज़र में रख दिया था। फ्रीज़र में रखने से ये बिल्कुल एकदम टाइट हो चुकी है, एकदम सख्त हो चुकी है। इसके बाद में हमें क्या करना है, कोई भी आप इस तरीके का या तो बैग ले लें, ये देखिए इस तरीके के जो आते हैं, या फिर जिपर पाउच जो आते हैं वो आप ले लें, या फिर कोई भी एयरटाइट आप कंटेनर ले सकते हैं, उनमें आप इसको इस तरह से फिल कर दीजिए, इसको बंद करके और फ्रीज़र में डाल दीजिए। और एक महीने के बाद तक भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं आराम से। कभी भी आपका मन करता है खाने का तो आप इसको निकालिए, 10 मिनट पहले आप निकाल के रख लीजिए और फिर को फ्राई कर लीजिए, बिल्कुल वही टेक्सचर आएगा जो हमारी फ्रेश कचौरियाँ का आता है। तो इस तरीके से आप इनको एक महीने के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं। तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना लीजिए और स्टोर करके रख लीजिए, जब भी गेस्ट आए आप इनको फ्रेश कचौरियाँ बनाकर खिला सकते हैं। तो ये देखिए हमारी कचौरियाँ कितनी अच्छी बनी है, मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए एकदम खस्ता, बहुत टेस्टी, और क्या इसकी अंदर की जो स्टफिंग है वो कितनी अच्छी लग रही है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत बनी है, बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी है। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।